चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे विवादित फिल्म पद्मावत आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया। करनी सेना के बवाल करने के बावजूद भी इसे पूरे भारत में 25 जनवरी को ही रिलीज कर दिया गया और फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर अपना धमाल मचाना शुरू कर दिया है। जी हां, फिल्म के पहले दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने करीब करीब 20 करोड़ का कलेक्शन किया है और अरे दूसरे दिन की बात करें तो फिल्म ने करीब 15 करोड़ का कलेक्शन किया है और तो वहीं तीसरे दिन में फिल्म ने करीब 12 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर हम टोटल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब तक करीब करीब 50 करोड़ का कलेक्शन पूरा कर चुका है। हालांकि यह कलेक्शन कोई ज्यादा कलेक्शन नहीं है, लेकिन फिल्म को विवाद के बावजूद भी फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है। कई शहरों में अभी भी पद्मावत को रिलीज नहीं किया गया। पद्मावत में दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर के साथ साथ रणवीर सिंह का अंदाज दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। फिल्म में घूंघर का डांस तो दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म पद्मावत 100 करोड़ के क्लब में मंगलवार को एंट्री ले सकती है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी करनी सेना बवाल पर उतरी हुई है उस हिसाब से फिल्म का कलेक्शन पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि फिल्म कब 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारती है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि यह एक पहली फिल्म होगी जो 100 करोड़ के क्लब में एंट्री नहीं ले सकती है।